हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास लैपटॉप आया है एक एचपी का। इसमें प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा। अगर हम लोग इसमें पावर लगाते हैं और देखते हैं डीसी सप्लाई पे ऑन करके, डीसी सप्लाई पे ऑन किया, ये एम्पियर जा रहे हैं 31, 28, ये चीज़ हो रही है और बंद हो जाता है यहाँ पे। और स्क्रीन वगैरह पे डिस्प्ले कुछ नहीं बनता, बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, बैटरी फिक्स वाली है। जो एम्पियर लास्ट में तक फिर बंद हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर देखें तो इसके डीसी जैक पे एलईडी आ रही है और जो इसका ऑन ऑफ एलईडी है इधर है, अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये एलईडी जल रही है ये वाली। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिस्प्ले नहीं बन रहा, सिर्फ ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं बन रहा। तो इस केस को हम आज स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो इसको खोलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, HP 15-DA1030TU, HP 15-DA1030TU। इसको ओपन करते हैं। जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ हमारे लैपटॉप के अंदर, कोर आई फाई एट जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। आई फाई में ये लैपटॉप 8th जनरेशन है और इसमें जो बैटरी लगी हुई है HT03XL। खोलते खोलते आपको बता दूँ, इसमें हम लोग इसमें SSD भी चेंज कर सकते हैं, SSD लगा सकते हैं इसमें। अगर अपडेट करनी हो तो SSD लग सकती है। यहाँ पे इसमें लगेगी NVMe SSD, यहाँ पे हम लगा सकते हैं इसमें SSD। फिलहाल ये हार्ड डिस्क के साथ में है, हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें। वाईफाई कार्ड को निकाल देते हैं एक बार और इसकी हार्ड डिस्क को निकाल देते हैं। उसके बाद में इसको एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीमो सेल इसमें लगा नहीं था, क्योंकि जो सीमो सेल काम करता है सीधे डायरेक्ट बैटरी के साथ में काम करता है, ये बैटरी से ही। ये जो एम्पियर ले रहा है 19291, वही चीज़ होगी, बंद हो गया लैपटॉप, पावर बंद हो चुकी है। एक बार रैम स्लॉट को साफ करके लगा के देख लेते हैं, रैम को साफ करके लगा के देख लेते हैं। ट्वेंटी नाइन टू जीरो, फिर 8 पे चला गया, बंद हो चुका है लैपटॉप, बंद हो चुका है। तो इसमें हम अपनी रैम लगा के देख लेते हैं एक बार, हमारी अपनी रैम लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारे रैम से कुछ अपडेट आया कि नहीं आया। 20, 21, 20 पे अटका हुआ स्टिल, 8 पे गया, बंद हो गया, ये बंद हो चुका है लैपटॉप, बंद हो चुका है, ऑन नहीं हुआ। अब इसको करते हैं, रैम को निकाल लेते हैं वापस। तो एक बार इसकी हम मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं, मदरबोर्ड को एक बार फिजिकली चेक कर लेते हैं। तो इसको बोर्ड को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं।
बोर्ड को निकालने के इसके लिए हिंज को खोलना पड़ेगा इसकी, ये बोर्ड जो दिया था यहाँ पे हिंज के नीचे दिया था, तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे हिंज ताकि ऊपर आ जाए। ये अपना निकल चुके, इतना टच पैड की वायर को निकाल देते हैं और इसके फैन को निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, ये इसका डीसी जैक है, निकल चुका है इसका स्पीकर। ये साइड में रख देते हैं, लैपटॉप को साइड में रख देते हैं, बोर्ड को देखते हैं। बोर्ड को पहले फिजिकली चेक कर लेते हैं कि फिजिकली कुछ ख़राब तो नहीं है। अगर फिजिकली कुछ ख़राब नहीं है तो उसके बाद में देखेंगे बायस वगैरह देखेंगे पहले करके। इसका जो पार्ट नंबर है LA-G07FP, वर्जन है ये 1.0 और इसमें आयो लगी है यानी KB9022 क्यू स्पेस डी लगी हुई है। तो ये बोर्ड है, तो उसके एक बार फिजिकली देख लेते हैं। तो बोर्ड इसको फिजिकली एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मॉइस्चर मॉइस्चर कुछ दिख जाए तो। कोई पार्ट पे मॉइस्चर दिख नहीं रहा, बट इसकी जो आयो है, ये आयो है, आयो पे यहाँ पे मॉइस्चर दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ये मॉइस्चर दिख रहा है। इस मॉइस्चर को एक बार क्लीन करेंगे हम लोग, क्लीन करके चेक कर लेते हैं कि मॉइस्चर। आपको देख ले दिखा देता हूँ भाई, ये देख दिख रहा होगा आपको, ये मॉइस्चर मॉइस्चर आपको दिख रहा होगा, ये मॉइस्चर है यहाँ पे। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके एक बार चेक कर लेते हैं। और ये पिन डिटेल देख लेते हैं, आयो कौन सी पिन है। ये होगी 1 2 3 4 5 5 पिन छोड़ के फिर 3 पिन ही अब सेम अटैच है सब लोग मॉइस्चर के साथ में। 128 127 126 126 125 पिनों को छोड़ के आगे की जो पिने हैं वो मॉइस्चर में है इसकी। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इस पर थोड़े से तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्लीन करके। अगर मॉइस्चर को ख़त्म करना है तो पेस्ट लगा के आयरन को थोड़ी देर लगा के रख लो यहाँ पे, जो भी मॉइस्चर हो बुरी तरह सड़ जाएगा। ये वो हमने यहाँ से मॉइस्चर को निकाल दिए, क्लीन हो चुका है। तो एक बार इसकी पिने अटैच देख लेते हैं, कोई अटैच तो नहीं है, नहीं है कुछ भी। तो एक बार इसका डीसी जैक लगा के हम लोग ऐसे ही बाहर की तरफ ही चेक कर लेते हैं। इसका डीसी जैक हमारे पास
इसका डीसी जैक लगा के और रैम को लगा के एक बार चेक कर लेते हैं जो एम्पीयर देगा, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो स्विच यहीं पे ऑन ऑफ, इसका ये दे रहा है 19 पे अटका हुआ है, फिर 8 पे चला गया, बंद हो गया। ओके, तो सेम ही चीज़ है, आयो का जो मॉइस्चर था उससे कोई सलूशन नहीं हुआ, इसमें कोई वो नहीं हुआ। रैम इसकी साफ है, सही है, शायद बंदे ने कहीं पे दिखाया है। ऑन करते हैं अगेन 19 13। ओके, ये 19 पे जा रहा है। रैम निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि रैम तक जा रहा है कि नहीं जा रहा लैपटॉप। 19 ओके ठीक है, ये आगे बढ़ नहीं रहा, तो इसका एक ही काम करके देखते हैं। पहले इसकी एक बार बायस करके देख लेते हैं हम लोग कि बायस में कोई फॉल्ट तो नहीं है। आपसे मेरा टेस्ट सीखता हो जाए, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं थिनर से। ओके, तो विदाउट रैम पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। नहीं, बायस करके भी इसका सेम ही प्रॉब्लम है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि और क्या चीज़ ख़राब है और क्या वोल्टेज बन रही है क्या नहीं बन रही। फोर यानी हमारा सीपीयू तो हमारे को सही लग रहा है अभी तक। तो एक बार इसमें ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं। थ्री पॉइंट वन देगा यहाँ पे, ये सही है। इसकी जो 3-5 देख लेते हैं, ये 1.1 ये होगी हमारी यहाँ पे, ये हमारी 5 तो बंद है, ये सही। थ्री पॉइंट थ्री बन रही है, फिर बंद हो जाती है। 3.3 नहीं बन रही प्रॉपर इसमें। जो इसमें जो हमारी आईसी जो ऑन करते हैं, तो पावर को ऑन करते हैं, तो ये आईसी हीट हो रही है अपनी बहुत ज़्यादा। और तो कुछ नहीं हीट हो रहा, तीन की आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है।
तो तीन की वोल्टेज को एक बार आगे ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या जा रही है। तीन की वोल्टेज हमारे यहाँ पे आएगी, इस पे भी जाती है, ये सही दिखा रहा ग्राउंड पे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ओके, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे, बट इसके इस तरफ हम पहले एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये वोल्टेज क्या देगा यहाँ पे। अभी कुछ वोल्टेज नहीं है, 3 वोल्ट दे रहा है, बंद हो गया। ओके, तो ये आईसी आउटपुट में ये आईसी हमारी शॉर्ट बता रही है, इनपुट 3 वोल्ट ले रही है बट आउटपुट में ये शॉर्ट बता रही है। तो आउटपुट में एक बार चेक कर लेते हैं कंपोनेंट वगैरह। आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर देखते हैं आगे क्या है। तो एक बार इस कैपेसिटर वगैरह को निकाल के या फिर इस आईसी को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले इस पीएफ को निकाल के देख लेते हैं एक बार, कहीं यही तो शॉर्ट नहीं हुआ अकेला, नहीं ये सही है। तो इस आईसी को एक बार पेस्ट लगा के निकाल लेते हैं। आईसी को निकाल लेते हैं, ऐसी आई सी सेम ये लगी हुई है यहाँ पे, ये सही है अभी तक, ये सही बता रही है, 23 37 सही है। तो इसकी शॉर्टिंग गई कि नहीं गई? नहीं, अभी तक नहीं गई। इस आई सी को निकाल दिया हमने, निकाल के अब तीन चेक करेंगे तो तीन हमारे को हमारे देगा है, तीन तीन जाएगी नहीं अब क्योंकि शॉर्टिंग निकल चुकी है। तीन की जो शॉर्टिंग थी आगे की तरफ जो कर रहा है वो निकल चुकी है तो नहीं दे जाएगी। अब ये हमारे को आगे की शॉर्टिंग देखना है इसमें कि क्या शॉर्ट है। अभी एक बार इसका पीडीएफ देख लेते हैं, अगर मिल जाता तो हमारे को। ये शॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पे, ये हम लोग पीडीएफ में चेक करते हैं। क्यू नहीं, क्यू ट्वेंटी वन, ये हमारी जो 5 वोल्ट ALW होती है और 3 ALW होती है जो अपनी दूसरी साइड में होती है, 5 VS और 3 VS। तो इसमें 3 जो VS जैसे आउटपुट में ये करेगा अपनी, यहाँ पे ये जो शॉर्टिंग बता रही है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने फिजिकली चेक किया था इसको, फिजिकली चेक किया तो नहीं मिला कहीं पे आयो का वो जो मिला था मॉइस्चर वो उससे हुआ नहीं सोल्यूशन। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा ऑफलाइन काम किया इस पर, तो उसमें चेक किया तो मैंने ध्यान से देखा तो इसका जो पीएफ है यहाँ पे, एक पीएफ लगा हुआ है ये कैपेसिटर, ये यहाँ पे शॉर्ट है इसका। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया तो ये पीएफ जो उसकी साइड है पीएफ लगा वो शॉर्ट है वहाँ पे, तो वो हीट हो रहा था। कि मैंने चेक किया इसको, 5 3 VS की जो वोल्टेज थी, ये वोल्टेज जा रही है बोर्ड में जहाँ जहाँ पे जा रही है, मैंने डाटा शीट से चेक किया था, तो ये जो वोल्टेज जा रही है अपनी SSD के पास में जा रही है, 3 वोल्ट SSD की जो लगती है, SSD NVMe M.2 जो लगती है, इसके पास में एक पीएफ है यहाँ पे, कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। ये कैपेसिटर आपको दिखा देता हूँ अगर दिखता है तो, इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे,
लेंस ये कैपेसिटर दिखा देता हूँ आपको, जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। फर्स्ट वाला मैंने ध्यान से देखा, इस पे मॉइस्चर होया पड़ा है। अगर ध्यान से आप चीज देखोगे तो इसमें मॉइस्चर हो चुका है कैपेसिटर में। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ध्यान से मॉइस्चर हो चुका है ये कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इसको चेक किया मैंने तो ये कैपेसिटर अपना शॉर्ट था यहाँ पे। तो ये जो कैपेसिटर है ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे शॉर्ट बता रहे, ये कैपेसिटर है यहाँ पे शॉर्ट बता रहे इस तरफ से, दूसरी तरफ से चेक करते हैं शॉर्ट। और ये कैपेसिटर ध्यान से देखेंगे तो ये मॉइस्चर होके गल चुका है कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं। आराम से निकालते कैपेसिटर को बाहर। इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग वोल्टेज इसको कैपेसिटर की जो शॉर्टिंग है वो चेक करते हैं कि निकली नहीं निकली। ऐसा ही देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, ये यहाँ पे ये कैपेसिटर की ये कोने पे लगाया ग्राउंड है, यहाँ पे लगाई ये शॉर्टिंग निकल चुकी है। यहाँ पे ये लगा के चेक करते हैं तो ये शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है, क्योंकि इस पे जो 3 वोल्ट जो जहाँ जहाँ पे जा रही है, नॉर्मल अपन पीडीएफ में चेक करेंगे ज़्यादा जगह नहीं दिखेगी, थोड़ी जगह ही दिखेगी। वो हम लोगों ने सारी जगह से इसको निकाल दिया था, पीडीएफ की जितनी भी जगह थी सारी जगह नॉर्मल चेक की मैंने ऑफलाइन, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती। तो इसलिए चेक किया जहाँ जहाँ पे थी वहाँ पे सारी जगह पे चेक किया। तो लास्ट में ये एसआईडी के पास में जब गया मैं, थोड़ा करीब 2 या 3 देखे, तो देखा तो एसआईडी के पास में दिखा रहा था 3 वोल्ट जा रही है एसआईडी पे। तो वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे एक कैपेसिटर मेरे को थोड़ा सा दिखा, जूम करके देखा तो कैपेसिटर शॉर्ट था। तो इसको वापसी इसके जो कैपेसिटर है ये वाला वापस लगा देते हैं, ये शॉर्ट नहीं है। ओके तो इसको एक और फिजिकली चेक कर लेते हैं आईसी। वो आईसी हमारे सही तरह लग गई है। अब इसमें एक बार वैसे ही चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, पावर बाद में देंगे। यहाँ पे सही दे रही है, सही है, ये ग्राउंड के साथ है पीएफ। अब ये हमारी छोटी निकल चुकी है। अब इसमें वोल्टेज देते हैं हम, हमने लिए इसमें 20 वोल्ट। ओके तो इसमें पावर कौन करते हैं, एम्पेयर हमारा उठा रहा है 35, 35 एम्पेयर उठा रहा है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, ये 3 वोल्ट हमारे देने लग गए। तो 3 वोल्ट की शॉर्टिंग थी वो निकल चुकी है, 3 वोल्ट हमारे बोर्ड में आ चुकी है। तो यानी हमारा बोर्ड अब रेडी हो चुका है। तो इसकी जो बायस है वो सही मिलेगी, फिर भी हम अपनी जो बायस एडिट की थी उसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो LRT टूल से की थी वो कंफर्म है कि नहीं है। Yang dikit di yang dikit di
सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन करी तो कम कर देता हूँ। जो हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है, ये इसकी विंडो रन हो चुकी है। तो बंद करने का तो प्रोसेस जो जैसे खोला था वैसे बंद कर देंगे। तो वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, और लड़के को दे देते हैं ये पैक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।